इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पीछे वाला जो ये कन्वर्टर रहता है वो पीछे टच हुआ रहेगा तो गाड़ी आगे चलती है, आगे टच हुआ रहेगा तो गाड़ी पीछे चलती है, मेंटेन हो सके। आप देख सकते हो कि दोस्तों मैं थोड़ा सा करीब जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बड़े से मोटर्स, तो दोस्तों ये सारे मोटर्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये बड़े मोटर्स हैं जो 4500 हॉर्स पावर की जनरेट करते हो। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ढेर सारी हवा निकलती रहती है जिसको मोटर को ठंडा किया जा सके। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेन जर्नी, मेरा नाम है शुभम। तो इस वीडियो में दोस्तों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो जर्नी ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम वॉग 9H इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों इसके बारे में थोड़े तथ्य जानेंगे कि इनका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, कितने हॉर्स पावर की ये पावर जनरेट करती है, इसका आगे व्हील्स में कितना पावर होता है या इसके पीछे व्हील्स में कितना पावर होता है, ये जो एंटीना है उसका वर्क क्या है, ये दो एंटीना क्यों दिया हुआ है और ऊपर से इतने सारे सर्किट्स कैसे लगे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ कूलिंग फैंस लगे हुए हैं जो कि मोटर को ठंडा करते हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और ये जो बहुत बड़ी सी टंकी लगी हुई है, आई एम श्योर कि आप लोगों को लग रहा होगा ये डीजल टैंक होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों ये जो लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वॉग 9H, इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 40 फुट के करीब में है। दोस्तों आगे की जो कैबिन है और जो ये पीछे की कैबिन है दोस्तों, दोनों में ही सेम कंपार्टमेंट है, दो सीटर है इसमें दोस्तों, दो लोकोमोटिव, एक लोकोमोटिव एक असिस्टेंट लोकोमोटिव यहाँ पे बैठ सकते हैं। दोस्तों जगह और भी होती है, यहाँ पे कोई भी वॉशरूम की सुविधा इस लोकोमोटिव में नहीं है। सो जब कभी भी लोकोमोटिव को वॉशरूम की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे स्टेशन या फिर कोई सिग्नल के सहारा लेना पड़ेगा। तो थोड़ा करीब चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारा ये वॉग 9H कैसा दिखता है। सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा। दोस्तों आप भी तिरंगा को लहराइए और हम इसके गुड्स को कैरी करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। आप देख सकते हो ये माल डब्बों को खींचती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉग 9H, मतलब ये जी जो होता है वो गुड्स के लिए आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों इसमें जो टोटल एनर्जी जनरेट होती है वो 4500 हॉर्स पावर की एनर्जी जनरेट करती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इनके दो स्प्रिंग्स हैं जो कि जब ये यहाँ पे कनेक्टर्स लगे रहते हैं, इन दोनों को बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है वहाँ पे। तो ये न्यू कनेक्टर है जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और गुड्स को एक दूसरे से ज्वाइन करता है और ये बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। तो दो एयर प्रेशर की पाइपें लगी रहती हैं जो ब्रेकिंग सिस्टम में हेल्प करती हैं। इनके जो बम्पर्स है दोस्तों बहुत ही हार्ड मेटेलिक के हैं, आप देख सकते हो गए ये बहुत हार्ड मेटेलिक के हैं। और यहाँ पे देखिए एक गैस की पाइप यहाँ पे रखी हुई है, अभी फ़िलहाल में इसको, ये आई थिंक एम्प्टी है, इसके लिए एक ही गैस की पाइप यहाँ पे जोड़ी है, अदरवाइज़ दोनों गैस की पाइप जोड़ी रहती हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एक स्टीयरिंग जगह है जहाँ पे आप खड़े होकर पूरा कांच वगैरह साफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक दो लाइट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर LEDs लगी हुई हैं इंडिकेशन के लिए, जो रेड लाइट जलती रहती पीछे से, और एक टॉप में एक बड़ी सी LED लगी हुई है। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा दोस्तों, बम्पर के जस्ट नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो 6 व्हील्स का एक बहुत बड़ा मोटर लगा हुआ है दोस्तों, जो ऊपर से एनर्जी लेके और यहाँ पे कन्वर्ट करके पावर जनरेट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रेत का डब्बा है दोस्तों, जो ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क प्ले करता है। यहाँ पे रेत भरी होती है दोस्तों। यहाँ पे आप लोकोमोटिव को चढ़ने के लिए स्टेयर्स लगी हुई है दोस्तों मेटल की, जो कि कैबिन 1 तक लेके जाती है। यहाँ पे प्रॉपर डंडे हैं, तो कहीं पर भी अगर गाड़ी रहेगी, लोकोमोटिव रहेगा, तो आराम से चढ़ सकते हैं वो। तो ऐसे ये डिज़ाइन की हुई दोस्तों, यहाँ पे व्हील 1, व्हील 2 एंड व्हील 3, ये व्हील के ही अंदर ही दोस्तों लगी हुई है। यहाँ पे हाई मोटर जो कि 4500 हॉर्स पावर की
पावर जनरेट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है दोस्तों। ये ही रहा कैब वन का एक सेक्शन जहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि कहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम है, कौन सा रेत वाला सिस्टम है। जैसे जब भी रेत का ये हेल्प ये है दोस्तों, जब कभी गाड़ियाँ ढलान पे रहती हैं या फिर ऊंचाई पे रहती हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी पाइप लगी है वहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो वो वहाँ पे गिराता है, हल्का हल्का रेत गिराता है जिससे कि व्हील्स स्लिप ना हो, जिसके व्हील्स हैं वो स्लिप ना हो। ये दोस्तों छेक जो भी 1, 2, 3 जो ये तीनों व्हील्स रहती है, तीन उधर तीन इधर, टोटल 6 व्हील्स इंटरकनेक्टेड रहती है और ये प्रॉपर एक्विलेट करती है एक दूसरे से, मतलब कम्युनिकेशन सेम रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो स्पीड कितने पे चल रही है, कैलकुलेटर है, यहाँ पे बड़े बड़े स्प्रिंग्स लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो है ये जो आपको ऊपर का ढांचा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ओनली फैंस लगे रहते हैं जिससे कि हमारा ये जो मोटर है वो ठंडा रह सके। तो कैबिन वन की इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है, अभी हम लोग कैबिन टू के तरफ चलते हैं। और कैबिन टू भी दोस्तों सिमिलर ही काइंड ऑफ मैकेनिज्म है। मैं दूर से आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि गाड़ियों की डायरेक्शन कैसे पता चलती है। जैसे कि अगर ये गाड़ी की डायरेक्शन ऐसी खड़ी है तो कौन सा वाला रॉड इलेक्ट्रिसिटी को टच होगा कि कौन से साइड में चलेगी दोस्तों, इसका एक फिक्स ये है, बॉन्डेड है। अगर वो रॉड आप टच करेंगे ऊपर तो वो गाड़ी ये इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगी, और अगर ये रॉड टच होगा, ये वाला आप देख सकते हो ये रॉड टच होगा अगर, तो गाड़ी स्ट्रेट जाएगी। तो आप जब कभी भी देखो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पीछे वाला जो ये कन्वर्टर रहता है वो पीछे टच हुआ रहेगा तो गाड़ी आगे चलती, आगे टच हुआ रहेगा तो गाड़ी पीछे चलती। तो ऐसे ही कुछ इसके इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये क्या चीज़ है दोस्तों, इसमें एक्चुअली डीजल भी रखा होता है हाफ सेक्शन में, हाफ सेक्शन में पानी भी रखा होता है जिससे कूलिंग अच्छे से मेंटेन हो सके। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं थोड़ा सा करीब जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बड़े से मोटर्स, तो दोस्तों ये सारे मोटर्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये बड़े मोटर्स हैं जो 4500 हॉर्स पावर की जनरेट करते हो। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ढेर सारी हवा निकलती रहती है जिसको मोटर को ठंडा किया जा सके। इसी के साथ साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय हिंद।